आपसी रंजिश के चलते दो पारिवारिक गुटों में खेली गई खून की होली, किया गया फरसे और कुल्हाड़ी से बार। मामला नगर पंचायत रामपुर के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 3 का है, जहां दीपक चिकवा के परिवार वालों के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। उस पर कुल्हाड़ी और फरसे से वार किया गया, जिससे वह अस्पताल में भर्ती होने को मजबूर है। हमला इतना खतरनाक था कि उस दीपक चिकवा के सर पे बहुत गहरे घाव हो गए। दो घाव में 20 टांके लगे और कुल्हाड़ी से इतना जोरदार वार किया गया था कि उसके सर का आधा हिस्सा ही फट गया। पर फिर भी पुलिस कार्रवाई के नाम पे बचती नजर आ रही है। दीपक के पिताजी के अनुसार यह कोई पहले मामला नहीं था, इसके पहले भी कई बार ये घटनाएं हो चुकी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने प्राथमिक सूचना रामपुर नगर थाने में की थी। पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक एक दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और न किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी हुई है। देखें क्या है मामला। मोहनलाल चिदवा, रामपुर नैकिन, आठमाबाद। हमारे लड़का का मारपीट किए, थोड़े थोड़े बात में हम बोल रहे थे कि रहन दो भाई, रहन दो, तो सबको मार, कहीं मारो मादा चोट को, मारो मादा चोट को, सब आए आके ये मनोज, रितु, राजा सब मारे लगे, हमारे भीतरे घुसी आए। इतना सर ऐसी ऐसी बात है कि हम लोग परेशान हैं इनसे, इन महाकाली बाप का पहले खुद को मार चुके हैं, हमको भी मारते हैं, हम परेशान, हमारी जमीन हड़पते हैं, सब में से दबाव देते हैं सर, हम क्या करें, हमें शासन प्रशासन से हमको मदद चाहिए, क्योंकि हम अभी पुलिस वाले के सामने गाली कुत्ता दे रहे थे कि मादक को कोई काट डाला, तो हम क्या करें सर, हमारी तो मजबूरी है, हम क्या करें, हमें सहायता दीजिए। हम सब मीडिया वाले से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचाए, हमारा कभी मदद कीजिए, नहीं लोग हमको मारने को कह रहे हैं सर, हम क्या करें, हम कर कहा कैसे करें, हमारे बच्चों को मार रहे हैं। किस चीज से आप पे हमला हुआ था, किस औजार से? टांगी से मारे, लाठी से मारे, पत्थर से मारे, हमारे भीतर घर में घुस के मारे सर, आ गए घर में जाके भीतर घुस के मारे, वो